आज मैं अष्टम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए साइंस में नाइन्थ लेसन से पाठ का विषय है ईंधन हमारी आवश्यकताएं। इस अध्याय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले ईंधन क्या है, ईंधन की परिभाषा आपको समझना होगा। सबसे पहले देखेंगे ईंधन क्या है। ईंधन वैसे पदार्थ जो जलकर उष्मा और प्रकाश देते हैं ईंधन कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जो जलने के बाद उष्मा और प्रकाश प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। ईंधन हमारे लिए काफी उपयोगी है, ईंधन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अब बताइए आपको ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सिलेबस के अनुसार ईंधन को अवस्था के आधार पर बांटा गया है। अवस्था के आधार पर ईंधन के तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन कोयला लकड़ी, द्रव ईंधन डीजल पेट्रोल केरोसिन, गैसीय ईंधन नेचुरल गैसेस प्राकृतिक गैस मीथेन एलपीजी सीएनजी। ये सब एग्जाम्पल्स हैं गैसीय ईंधन के। अगला जो टॉपिक है वो है ज्वलन ताप। आपको मैं ज्वलन ताप के बारे में बताने जा रहा हूं। किसी ईंधन का वह न्यूनतम ताप या वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन जलना प्रारंभ करे। खूब ध्यान से देखेंगे ज्वलन ताप की परिभाषा। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। गैसीय ईंधन का ज्वलन ताप अधिक होता है। सबसे अधिक ज्वलन ताप हाइड्रोजन गैस का है, उसके बाद डीजल पेट्रोल इत्यादि का है। ठोस ईंधन का ज्वलन ताप कम होता है, खास करके उपला पुआल इत्यादि का ज्वलन ताप कम होता है। अगला है उष्मीय मान। इसको ध्यान से आप सुनेंगे। किसी ईंधन के एक ग्राम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का उष्मीय मान कहा जाता है। फिर से इस परिभाषा को आप गौर से सुनेंगे। किसी ईंधन के एक ग्राम को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर जितनी ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे उस ईंधन का उष्मीय मान कहा जाता है। किसी भी ईंधन का उष्मीय मान का जो मात्रक होता है, उष्मीय मान का मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। ध्यान रखेंगे उष्मीय मान का मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम। अब है ईंधन की उपयोगिताएं। ईंधन हमारे लिए काफी उपयोगी है। मैंने शुरू में बताया ईंधन के बिना हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। ईंधन के जो उपयोग हैं वो पहला है वाहनों के परिचालन, चाहे वो रेलगाड़ी का परिचालन हो, बस का परिचालन हो, मोटरगाड़ी का, स्कूटी का, ट्रैक्टर का, उसमें हम ईंधन डालते हैं और उसी ईंधन की ऊर्जा से वाहनों का परिचालन होता है, स्वचालित वाहनों का। दूसरा विद्युत निर्माण में थर्मल पावर के बारे में आप जानते हैं। थर्मल पावर में कोयले को जलाकर उसकी ऊष्मा से बास बनाया जाता है और बास से टरबाइन चलाकर मोटर चलाया जाता है, उसके बाद विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से वाहनों के परिचालन में, विद्युत के निर्माण में,
दो बातें अपने जान ली, तीसरा कल कारखाने, विभिन्न कल कारखाने हैं, छोटा सा कारखाना आप देख लीजिए, आटा चक्की मिल, उसमें भी उसको चलाने के लिए, इंजन को चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बड़े बड़े कारखानों में भी काफी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जलयान, वायुयान और रॉकेट के प्रक्षेपण में भी ईंधन की काफी उपयोगिता है। ठंडक के दिन में अधिक ठंड पड़ने लगती है तो ठंड से बचने के लिए चौक चौराहे पर अलाव जलाया जाता है, लकड़ी को जलाकर उससे उष्मा प्राप्त की जाती है और ठंडक से लोग बचते हैं। साथ ही साथ कमरे को गर्म करने के लिए रूम हीटर चलाते हैं, उस रूम हीटर से कमरा गर्म होता है, यानी ईंधन वहां उपयोगी है कमरे को गर्म करने में और खाना पकाने में। आप आए दिन देखते हैं कि घर में चाहे खाना पकाते हो, कोयले से पकाया जाए, पहले लोग लकड़ी से, उपला से, लेकिन अब तो लोग LPG का प्रयोग करते हैं, कुकिंग गैस के रूप में LPG का प्रयोग किया जाता है और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सारे घर में LPG का सिलेंडर उपलब्ध है, तो LPG गैस काफी उपयोगी है। CNG का उपयोग वाहनों में किया जाता है, CNG का उपयोग वाहनों के परिचालन में किया जाता है। इस प्रकार से आपने आज पढ़ा ईंधन क्या है, ईंधन के कितने प्रकार हैं, ज्वलन ताप क्या है, उष्मीय मान से क्या समझते हैं और ईंधन की क्या उपयोगिताएं हैं। इसी प्रकार से प्रश्न भी पूछता है ईंधन क्या है, तो आप उतना ही जवाब देंगे शॉर्ट नोट में, ईंधन के कितने प्रकार हैं थोड़ा विस्तार से बताएंगे, ज्वलन ताप क्या है आसानी से बता सकते हैं, उसमें मान की परिभाषा मैं अभी बता चुका हूं और ईंधन की उपयोगिताएं मैंने 6-7 लिखा है। इसी प्रकार से आप 5 उपयोगिता भी लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।